कि जो देवों के देव हैं महादेव हैं, जो देवों के देव हैं महादेव हैं, उनकी आराधना करना भला किसके बस की बात है। जो अग्नि है, जो वायु है, जो ग्रीष्म है, जो शीत है, ऐसे परम पिता सदैव के लिए मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार हम भी भगवान के चरणों में उनकी अमृत धारा का पान करते हुए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के, और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो दिन का मेला हमने दिखाई दिया था आपको, लेकिन आज मैं आया का हूँ नाइट में। और दोस्तों आप नहीं मारोगे, मतलब फ्रेंड्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हमने और गन्ने का ठंडा खा लिया। ठंडा है तो रात को बहुत ठंडा खा रहे बाइक में हम दोनों आए, और इतना ठंडा हुआ दोस्तों क्या बताऊँ। क्योंकि भाई दिन का तो हमने मेला कैप्चर खरीद लिया था, बट मेरी दिल से उम्मीद थी कि मतलब मैं रात को भी इस मेले का जो नज़ारा है, भव्य नज़ारा, वो अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊँ। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आप देखना है, अब आप देखेंगे कि रात का जो सर्गोत्सव है वो कैसा लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त यहाँ पर भाई शॉप, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है यार, वाकई मज़ा आ गया। और ये जो धनकालीन है, वाया क्या बात, क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे हमको मेरे को लगता है ना, यार जो ये धनकालीन होता है ना, ये मतलब जब कमरे में हम बिछाते हैं ना, भाई साहब कमरे की शोभा बढ़ जाती है, क्या कहते हो आप दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने कितनी प्यारी दुकानें लगी हैं यार यहाँ पर, आपका जो नज़ारा है यार वो अपने आप में ही काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सुंदर लग रही हैं यार दुकानें, क्यों हमको। वाह, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना सुंदर लग रहा है यार। हाँ अंकु, वैसे मुझे लगता है कि यार एक ना एक रजाई या कंबल हम भी ले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यार, जो रात का नज़ारा है भाई, वो मेरे को लगता है कि दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत रात को लग रहा है, क्या कहना चाहोगे आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई रात का जो नज़ारा है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है मेले का। आइए अब हम इस गली से जाते हैं। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं इस वाली गली से, और यहाँ पर लगे हैं शायद काई की स्टॉल है यार। ओ भाई साहब गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की टॉफियाँ। ओ भाई साहब ये काई की गोली है यार, गैस की गोली है, ये काई की गोली है। का डाइस का भाई चूरन है, सटी डाइजेस्टिव चूरन है, हिम पेड़ा वगैरह अनाज आना जिसे पचास से कम का नहीं मिलेगा, 20 रुपए की डिब्बी आएगी भाई व्लॉग में। हेलो गाइस, हेलो, वी आर इंजॉइंग द मेला, दिस इज ईटिंग पॉपकॉर्न, मीरा अजवाइन इलायची एंड अदर इमली ऑल्सो। भाई आपका यूट्यूब चैनल बता दो, द ह्यूमन नेचर है, द ह्यूमन नेचर, द ह्यूमन नेचर। तो गाइस मैंने ले लिया अभी ये हींग गोली, और ये गैस के लिए बहुत अच्छी है। तो भाई पिताजी को गैस की जरूरी बहुत प्रॉब्लम तो होती है भाई, वो तो पता ही आपको। तो मैंने सोचा कि एक हींग गोली मैं ले लूँ, 30 रुपये की डिब्बी है यहाँ पर जो हींग की गोलियाँ, क्योंकि आपको पता ही है भाई घर में जो है कि बड़े बुजुर्ग और सयानों के होती है पेट में गैस। खैर बड़े बुजुर्गों को क्या, अगर हम भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो भाई हमारे पेट में तो गैस होगी अभी। तो सबसे पहले मैंने यही ले रखी अभी गैस की गोली, क्योंकि भाई स्वाद भी इसका बहुत अनलिमिटेड होता है, मतलब टेस्ट होता है। मैंने पहले भी खाई थी यार, खाई थी, हाँ पहले भी खाई थी, मैंने खाई नहीं है। सो गाइस मैं आपको रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी खाई थी, और इसका जो मतलब चटकारा होता है ना भाई, काफ़ी ज़बरदस्त चटकारा होता है, मतलब अपने आप में मज़ा आ जाता है, यूनिक गोली कहते हैं। क्योंकि मैं एक बार क्या था, कसम से मैंने दिल्ली से ली थी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने दिल्ली से ली थी ये गोलियाँ, और इतना अच्छा लगा था मुझे, मैं क्या बताऊँ। खानी है कैसी, खानी पड़ेगी। बाकी गाइस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर शॉप लगी है, आप देख सकते हैं। वाह यार अंकु, मेरे को ये थालियाँ और ये प्लेटें जो सजी है ना, अरे गजब। गाइस आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर ये भाई लगी हैं प्लेटें थालियाँ, वाह यार यूनिक पीस है यार, मज़ा आ गया।
बाकी ओवरऑल अगर मैं मेले की बात करूँ दोस्तों तो मेरे को तो भाई रात को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रात को तो ही मज़ा आ रहा है क्योंकि जगमगाहट मतलब लग रहा है कि जगमगाहट हो रखी है हर जगह, मतलब लाइट ही लाइट लाइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप तंदूर लगा हुआ है और खाने वालों की भूड़ आप देख सकते हैं क्या भीड़ लगी है भाई। ओ माई गॉड जलेबी में और यहाँ पर लगा क्या आप देख सकते हैं भाई हलवा पूरी यहाँ पर बिल्कुल तैयार। हलवा पराठा कहते हैं इसको, मतलब पैकेट ही सही है। रामपुर रामपुर की क्या रेट रहता है इसका? ये चलता है रेट क्या रहता है? 200 रुपए किलो। ये एक ही कितने का है? तो एक ही है पूरा बड़ा भाई। ये कितने किलो की पूरी है? आधे भी ले लो पूरा ले लो। अच्छा अच्छा पूरा तो 10 आदमी का लेंगे। आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी यहाँ पर पूरी है और हलवा। राजस्थान का है? रायपुर का? रामपुर का कैमरा। हाँ बिल्कुल रामपुर का है। रामपुर का तो गाइस देख सकते हैं आप रामपुर की भाई कितनी प्यारी डिश यहाँ पर बनी हुई है। वाओ क्या बात है क्या बात है। और ये रही इसकी पूरियां दोस्तों, काफ़ी स्वादिष्ट लगा देखने में भी काफ़ी खुशियाँ कर रहा है। आपको बात ड्रैगन झूले की तो अभी नहीं चल रहा है क्योंकि भाई अभी रात का समय है और नाव भी अभी रुकी हुई है। नाव रुकी है, बड़ा वाला झूला भी रुका है। हाँ सो गाइज आप देख सकते हैं और जो बड़ा वाला झूला है मैंने आपको दिखाया था वाले ब्लॉग में जो दिन वाले ब्लॉग था, तो ये झूला भी अभी रुका हुआ है। अच्छा ये रुका हुआ क्यों है यार हमको पता नहीं यार। अब इसमें तो भाई लोग भी नहीं बैठे अभी, अभी तो बैठे नहीं है ना नहीं है अभी। मुझे लगता है कि रात को शायद नहीं बैठाना है, शायद ऑर्डर है शायद नहीं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर कप और गिलास यार। वाह यार अंकु भाई दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, प्लेट और ये। हाँ प्लेट और जो ये कप वगैरह है ना, ओ माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ यार। सीसीटीवी देखो ना यार क्या बात है। वाह ये गिलास ही देखो ना सब है यार मज़ा वाले भी सजावटी गिलास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई जो गिलास है मार्क मतलब यार मज़ा आ गया है यार मैं तो क्या ही बताऊँ। वाह अच्छा ये भी रामपुर का ये अपनी है। अच्छा आपकी दुकान ये भी है? हाँ। और इसका क्या रेट रहता है जैसे एक गिलास सिंगल पीस का? एक गिलास ना मिलता है। अच्छा जोड़े में रहता है? 12 गिलास या 6 गिलास रुपये का? हाँ 6 बार। अच्छा आपका दुकान है अपना? ये भैया से बात करो भैया। अब इनसे बात लाइव चला लो। बताओ यार बिल्कुल बता सकते हो यार आप इतनी प्यारी दुकान आपने लगा रखी है, कहाँ से हो आप? हम यूपी मुरादाबाद। अच्छा मुरादाबाद से हो? जी सर। तो प्रत्येक वर्ष आते हो क्या यहाँ? जी हर साल आते हैं। तो जो ये रेट है भैया प्लेट का ये क्या है रेट? रेट 350 रुपये की 6 प्लेट्स, इसका मॉल के अंदर 500 रुपये की 6 मिलती है। हम उनके पब्लिक के लिए काफ़ी किफ़ायती दामों में किले गए, मतलब 350 रुपये का 6 प्लेट। 6 प्लेट है ना? जी सर। और 12 प्लेट? 12 प्लेट हो गए आपका 700 रुपये का। अच्छा यानी कि कम कमी पेशी भी लेस कर देंगे। अच्छा लेस हो जाएगा। जी सर। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर भाई आप सरदोस्तों में आ रहे हैं तो भाई भैया की दुकान पे जरूर आइए क्योंकि बहुत ही प्यारी और लाइव चलती है लाइव। जी सर जी। तो बताइए रेट वगैरह बताइए। सर ये हम जो है 50 का जोड़ा बेचते हैं सर। अच्छा 50 का जोड़ा? जी सर। अच्छा और ये मैं बिस्कुट रखने का काम आता है, 2 गिलास पानी वानी चाय वाय रखने के लिए काम आ जाती है, सर्व करने के लिए होता है गेस्ट लोगों के सामने। यानी कि भाई कम से कम रेट में भी अवेलेबल है प्यारी से प्यारी चीज़ें। हम इसमें फिर भी उसमें जो है कंसेशन कर देते हैं, जब कोई लोग जो ज़्यादा सामान निकालते हैं ना तो उसमें कंसेशन कर देते हैं। गाइस मैं आपको रियली बताऊं जो भाई ये प्लेट दिख रही है भाई पत्ते की तरह भाई साहब मतलब प्यारी है यार। वाह यार। और नाम क्या भैया आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो ये मेला कब तक रामपुर का? कब तक रहेगा ये मेला यहाँ पर? ये मेला 18 तारीख तक है। तो गाइस 18 तारीख तक ये मेला है और आप देख सकते हैं मैं लोकेशन अगर बताऊँ तो भाई सीढ़ी से उतरते ही आप देख सकते हैं फ्रंट पे इनकी शॉप है। तो जरूर आइए कितनी प्यारी इन्होंने दुकान लगा रखी है। और वाह यार क्या बात है मज़ा ही आ गया भाई, एक से बढ़कर एक पीस। हॉट केस भी है आपके पास? यूनिक हॉट केस है काफ़ी बढ़िया। और पीछे प्लेट भी दिख रही है, कप भी दिख रहे हैं। वाह घरेड़ियों के लिए उच्च कोटि का यहाँ पर सामान मेरे हिसाब से भाई साहब ने सजा रखा है, काफ़ी बढ़िया रेट भी है इनके। तो अपना नाम? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। तो भाई थैंक यू आपका जो आपने जानकारी दी, थैंक यू कह रहे हैं हम आपको। थैंक यू। आज मैंने आपको भी बताया कि भाई जितने भी यहाँ पर दुकानदार आए हैं बहुत प्यारे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और काफ़ी यूनिक रेट भी हैं। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि आप आइए एक बार मेले में इंजॉय करिए क्योंकि अपने अपने ही मतलब बहुत ही खूबसूरत मेला है यार, किसान है एक बार होता है। तो गाइस आप आना ज़रूर और लोकेशन मैंने आपको बताई दिया और उनके जो रेट थे वो भी बहुत अच्छे थे, रेट भी बढ़िया थे, बहुत प्यारे रेट थे। बाकी जो इस गली में भी एक से बढ़कर एक गर्म कपड़े से लेके भैया और जैकेट वगैरह। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी हैं
और महिलाओं की भी। वाह यार वाह, बहुत ही प्यारी प्यारी कोटियाँ यहाँ पर। तो इसका क्या रेट है भैया? 750 की, मतलब इससे कम में भी मिल जाएगी रेंज। सो गाइस आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर लेडीज़ के लिए जो भाई कोटी वगैरह हैं और काफ़ी यूनिक पीस इन्होंने रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गारमेंट्स का सामान उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। वाओ भैया, नाम क्या फिर आपका? शाहिद। नाम? शाहिद। शाहिद, तो रेट मतलब लग जाएंगे मतलब ना? अभी कितने तारीख तक हो आप यहाँ? अभी यहाँ पे 18 तारीख। 18 तारीख तक। सो गाइज आप ज़रूर आइए इनकी दुकान पर, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी मेरे को यूनिक जैकेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि पहाड़ में अब ठंडे दिन चालू हो चुके हैं, तो अगर यही कोटी अगर हम अन्य स्थानों से लेते हैं तो भाई 1500 से नीचे तो शायद ही हमें मिले, बट यहाँ पर भाई साहब अपने काफ़ी यूनिक रेट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी गर्म कोटी, बाकी और भी मुझे यहाँ पर गारमेंट्स का सामान दिखाई दे रहा है, और जो वाले पीस हैं वो भी काफ़ी यूनिक लग रहे हैं मुझे गाइस। तो यहाँ पर ज़रूर आइए अगर आप सरदोसों में आ रहे हैं। बाकी गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया यार अंकु, मुझे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया सामान दिख रहा है यहाँ। वाह ये वाली कोटी भी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यूनिक। फैदर की है, इसको फैदर की कोटी कहते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, वाह यार ये अलग कलर भी काफ़ी बढ़िया। सो गाइस आप ज़रूर आइए इधर, कभी है तो ले ले। वैसे जो फैशन भाई पिथौरागढ़ वासियों को चाहिए होता है ना, वो फैशन हमें यहाँ पर, हाँ वो फैशन मिलेगा सर, फैशन है। हाँ जैसा कि अभी भाई ठंडे दिन आ रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक गारमेंट्स की दुकान खुली हुई है यार। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई जेंट्स के लिए जो जूते यहाँ पर आए हैं आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक जूते यहाँ पर लगे हुए हैं, और जितने भी ये सैंडल या बैलेंस वगैरह देख रहे हैं आप, लेडीज आइटम सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म जूते, काफ़ी बढ़िया। ये पीस भी बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ, ये वाला भी गजब है। हाँ सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक पीस, ये वाले भी काफ़ी पसंद करते हैं, सब गर्म जूते हैं। ये कितने का है भाई? 250 रुपये का। 250 रुपये का है। सो गाइस आप देख सकते हैं भैया कह रहे हैं 250 रुपये का है, काफ़ी बढ़िया पीस, कम भी लगेगा, डिस्काउंट कर देना, देख लो। चलिए ठीक है, ठीक है। लिखता फिर यार। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना यूनिक यहाँ पर पीस लगा हुआ है, भले वो बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त शॉप है यहाँ पर। नाइस वाह। बाकी अगर दोस्तों मैं बात करूँ बच्चों की पसंद की, तो भाई अभी शादी का सीज़न आ रहा है तो बच्चों के लिए ये काफ़ी बढ़िया भैया ने यहाँ पर लगा रखे हैं, काफ़ी बढ़िया पीस दोस्त। यहाँ पर मैट भी लगी हुई है, वाह यार काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। मुझे लग रहा है कि काफ़ी यूनिक सामान आ रखा है मेरे में। आप देख सकते हैं गाइस मैट यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी मैट यहाँ पर हैं लगी हुई, और ये आई बर्तन की शॉप। वो एक चीज़ तो मेरे को बहुत बेस्ट लग गया, मुझे प्लेट दिख रही है ना, पत्ते वाली केले वाली। मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्लेट है ना, ऐसा लग रहा है कि पत्ता बिछा रखा है केले का। देख सकते हैं क्या जबरदस्त यहाँ पर मिट्टी के बर्तन है ना, ये मिट्टी के, ये दही है ना, ये कुछ दूध मतलब कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना गहराई बर्तन है, इसकी गहराई आप देख सकते हैं, तो ये पूरी मिट्टी के बने हुए हैं भैया जी, पूरी मिट्टी के बर्तन है ना ये? हाँ सब मिट्टी का बर्तन। रेट क्या रहेगा इसका, क्या रेट रहेगा जी? ये 250 रुपये का पड़ेगा। अच्छा सबका अलग अलग रेट रहेगा, अलग अलग प्राइस होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं भैया ने यहाँ पर कितनी प्यारी दुकान यहाँ पर सजा रखी है, और यहाँ पर मुझे एक से बढ़कर एक सामान दिख रहा है, सजावट वाह, बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे। ये कितने का भैया गुल्लक? ये 180 रुपये की है, 15 गुल्लक बोलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं बच्चों के लिए काफ़ी यूनिक पीस, मंकी गुल्लक क्या। सो गाइस आप देख सकते हैं भैया ने बहुत ही यूनिक दुकान यहाँ पर खोल रखी है, गजब है। आप देख सकते हैं गाय है, ये गोलक है गाय की शेप में, तो भाई गौ माता की शेप में भाई गोलक को बनाया गया है,
देखो ये चीज़ अलग मिली है जी, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, पहले हमारे पास आई है। मतलब मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, चीनी मिट्टी का बना हुआ है। ओह माय गॉड, ये कितने का है? ये 80 रुपए का है। सो गाइस आप देख सकते हैं यार कितना खूबसूरत है। वाओ गाइस, मैं आपको रियली बताऊं, जब मैं मुंबई गया था उसी टाइम मैंने ये पीस वहाँ देखे थे, बट अभी हमारा सौभाग्य कि भाई पिथौरागढ़ में इतने अच्छे दुकानदार लाए हैं, ये यूनिक सा सामान है। तो सबसे सस्ता क्या चीज़ है इसमें? सभी सस्ता है। ये देखो एक नया पीस है, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अच्छा, ये कितने का? ये 50 रुपए का एक पीस है। एक पीस, पीस तो आप देखते हैं, वन पीस भैया कह रहे हैं 50 रुपए का है। भाई काफ़ी ज़बरदस्ती यहाँ पर यूनिक पीस दिखाई दे रहे हैं हमें। कला के पैसे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दही अचार वचार रखने के लिए कितने प्यारे प्यारे पीस। एक ही आती है केतली। अच्छा, ये कितने की थी? ये 500 रुपए की केतली है, इसके साथ 6 कप है। अच्छा, इसका 6 कप है, 6 कप ये भी मतलब मिट्टी का बना हुआ है ना? मिट्टी का बना है पूरा। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं भाई, ये तो मैंने पहली बार ही देखा यहाँ पर। ओ माय गॉड, इतने की लागत भी नहीं बैठेगी जितने रुपए में हम तैयार दे रहे हैं। अच्छा, 500 में 6 कप के साथ है, 6 कप है। आप देख सकते हैं कितना यूनिक चीज यहाँ पर भैया लाए हुए हैं। इतना आइटम मिलेगा, कल भी और ज्यादा मिलेगा, अब तो ये आज जल्दी जल्दी में मालिक नहीं मिल पाएगा। अच्छा, कल अगेन और लाओगे? कल और मिलेगा। बहुत बढ़िया। अलग सो गाइस आप देख सकते हैं, फ्लावर पॉट है, बहुत बढ़िया फ्लावर पॉट है। वाह, कस्बे की शेप में। गाइस कहने वाली बात नहीं है, बट यार ये सामान मैंने पहली बार ही देखा। आपको क्या लगता है? मैंने भी पहली बार देखा है। वाह ठीक है। और गाइस मैं आपको रियली बताऊं, ये काफी भारी भी है, मजबूत भी है। मार्केट में भी नहीं मिलेगा तुम्हें ये। ओ माय, मार्केट में कब नहीं मिलेगा? ये कितने का दिया सर आपने? ये 50 रुपए का वन पीस। हां वन पीस, 6 पीस का आता है। अच्छा, ये कौन सी मिट्टी का बना होता है? ये चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी का बना होता है। सो गाइस मतलब मजबूत भी रहता है? मजबूत बहुत होता है। आप देखते हैं चीनी मिट्टी कहते हैं, और मिट्टी से बेहतर होता है। जी जी बिल्कुल। और उसकी सजावट भी काफी यूनिक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक से बढ़िया कब मिलेगा देखने को? तो ये जो पीस है ये कल और निकालेंगे आप? हाँ, कल और निकालेंगे। सर गाइस आप इनकी दुकान में जरूर आइए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। गाइस मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, जैसे ही आप सीढ़ी से उतरते हैं तो फ्रंट में भैया की यहाँ पर दुकान है चीनी मिट्टी का, और मोहम्मद शाहिद इनका नाम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यूनिक प्रोडक्ट चाहिए तो भैया की दुकान में ज़रूर आइए। आप देख सकते हैं जो भाई मैंने सामान देखा है, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी बेस्ट चीज़ लगी है। अगर मैं जिस दिन आऊँगा दिन के समय घूमने, अभी तो मैं व्लॉग बनाने आया हूँ, लेकिन भैया की दुकान से मैं ये जरूर ले जाऊँगा। ये जरूर लेके जाए, मेरा वादा है आपको। बहुत बेस्ट चीज़ जी, बिल्कुल बहुत बेस्ट है। अगर एक बार आप लेंगे तो याद रखेंगे कि भैया कुछ देखे गए थे। इतनी जानकारी देने के लिए हमारा धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर है भाई गर्म कपड़ों की दुकान, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कंबल वगैरह, पंखी के खोल है, रजाई के खोल है। बाकी आप देख सकते हैं। अच्छा, रेट क्या रहेगा किस चीज़ का सर? इसका ये 550। क्या ये मतलब? कवर है, ये कवर है काई के? रजाई के। अच्छा, रजाई के कवर है। आपको क्या होना? मुझे तो ये पंखिया टाइप की लगी। नहीं बाड़ी में कहते ना पंखी, हमारी चादर है जी। ये 250 की। अच्छा, ये डबल बेड की होगी? ये सिंगल की डबल बेड की आएगी 400। अच्छा, सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कलर आपको मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक वो रजाई कहते हैं, चरू रजाई कहते हैं, वो भी आपके पास जी? अच्छा, आप पास हो वैसे? मुरादाबाद। अच्छा अच्छा, एक रजाई आती है ना हमारे पहाड़ में, वो होती है बिल्कुल चरू रजाई कहते हैं उसको, चरू इतनी मोटी होती है। तो मैंने सोचा क्या पता आपके पास हो करके। तो गाइस फिर भी भाई के पास बहुत बढ़िया यहाँ पर कंबल वगैरह है, आप देख सकते हैं, और सामान बहुत अच्छा है, यूनिक है। अच्छा, जो ये भैया ये क्या है? ये रजाई है, ये डबल बेड फाइबर की, 2500 रुपये फाइबर की है। दिखा सकते हैं हम एक बार, आप कैमरे को पकड़िए। दो पैक बनाएंगे।
तो सबसे पहले मिलाना था हमको अपने विकास से। विकास जी आए आए और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अरे बिल्कुल और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अगला अगला मेरा जो फेवरेट है दीना मिस्टर दिनेश भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया माल जी। कहीं आए ये हम कार में तो अपने भाई लोग आए कार में। अगला भाई अपना अमन और भी मिला भाई मिला बहुत अच्छा लग रहा है आ गया। तो क्या क्या लेने वाले आप? हम अभी थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ भूख भी लग रही है खाना भी लगा। बाकी अपना भाई यहाँ पर हन्नू हन्नू कैसा लग रहा है आपको? मैं बढ़िया। और अपना छोटू भाई आए ना तो क्या क्या लेने वाले आपको? लेते हैं पहले क्या क्या लेते हैं साथ में खाना वाना खाना। तो गाइस अभी इनको हम घूमने देते हैं क्योंकि हमने अपना नया ब्लॉग पहले ब्लॉग हम फाइनल करते हैं उसके बाद फिर कुछ हलवा वगैरह भी खा लेंगे। और विमल जी इतनी मेहनत करते हैं उनका उनको फल मिलेगा जरूर। अरे बिल्कुल थैंक यू मेरे भाई। गाइस बाकी आपको मैं क्या ही बताऊँ जो भाई यूनिक पीस आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर रजाई कंबल आ रखे हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगे मुझे तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा यार। रजाई है कंबल है? रजाई है कंबल है भैया। कितने की है? 1800 रुपये। डबल बेड है सिंगल बेड? डबल है। तो एक बार आप इसको पकड़िए